क्या है कंफर्टेबल की वो भी उसको पता नहीं है। पांचवी मंजिल से और नीचे से एक भी गद्दा नहीं है, जब सारे हटा लिए एक ही वजह है, अब क्या हालत होने वाली है। तब उनको स्ट्राइक किया कि एनवायरमेंटलिस्ट की जो है वो सही कहते हैं। तो फिर क्यों मनाया जाता है एज ए एनवायरमेंट डे और पूरा का पूरा वीक जो है दस मुकाबलों में जो है वो एनवायरमेंट वीक मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है एनवायरमेंट का वो है ईट द प्लास्टिक, ईट द प्लास्टिक। और जब यहाँ हम ईट द प्लास्टिक से भी ज़्यादा अगर नेचर को देखा जाए तो जो ह्यूमन लाइफ है तो उसमें गांधी ने बहुत अच्छा बोला है नेचर कैन फुलफिल एवरीमेंट नीड। नेचर जो है उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी नीड को पूरा कर सकती है बट नॉट फुलफिल एवरीमेंट ग्रीड। हर एक इंसान का लालच पूरा नहीं कर सकती। और रिसेंट मैंने एक रिसर्च पढ़ा जिसमें ये जैसे कि ये जो प्रोग्राम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया हमारी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ में, इसके लिए मैं अजय शर्मा जी का फील्ड ऑफिसर जो हमारे हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और स्टाफ मेंबर और यहां के इंचार्ज प्रिंसिपल्स और यहां के बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दो दिन में ये प्रोग्राम इन वेरी शॉर्ट स्पैन में मेरे कहने पे और हमारे अजय शर्मा जी की एडवाइस पे हमने सबने मिलजुल के ऑर्गेनाइज किया। बहुत से स्पीकर्स ने जहां हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के बारे में बोला है, मुझे यही बच्चों से अपेक्षा होगी कि जो चीज जहां से बोली गई है इस मंच से, जो चीज हमें एडवाइस की गई है इस मंच से और जो हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये हमें सुविधा दी गई कि हम बच्चों के बीच में ये बात ले जाएं और बच्चे हमारे एज ए एम्बेसडर काम करें। चल लाइव पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने यहाँ कठुआ में रखा था प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है कि जैसे कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 तारीख को आ रहा है तो उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया था। जो मुद्दा व मकसद इस प्रोग्राम का था वो था यंगर जनरेशन्स को एनवायरनमेंट के काजेज की तरफ जोड़ना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट हैजर्ड्स बढ़ रही हैं, अगर हम देखें तो जून के महीने में हमने कभी भी जम्मू के गर्म संभाग में इतनी बारिशें और इतना ठंडा टेम्परेचर नहीं देखा था। तो ये सारी जो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में, इस सब की तरफ ध्यान खींचने के लिए हमारी यंगर जनरेशन्स को उस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था और ये सोच के रखा था कि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ कदम उठाएं, अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे जिससे कि एनवायरनमेंट फिर से साफ हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में हमने यहाँ पे क्विज कंपटीशन रखा हुआ है, हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव रखी हुई है, हमने एक प्लेज ली हुई है एनवायरनमेंट के लिए और बच्चों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जोश है। बच्चे हम देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी प्रोग्राम के इंतज़ार में बैठे थे और जो ही प्रोग्राम होता रहा तो बहुत सारे बच्चों ने अपने ख्याल भी हमारे सामने रखे, स्टेज पे आके बोले, डांस के थ्रू भी उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से हम एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ शेयर किए जो बहुत इनोवेटिव हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यंगर जनरेशन में चेंज आ रहा है।